नमस्कार, सुपर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी इडली, जो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। एक बार इस तरह से भी आप बना के देखिए, सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। ये देखिए बथुआ है, अच्छे से मैंने धो लिया है। अब इसको हम उबालेंगे। इस बर्तन में हम डालकर बस 3 से 4 मिनट में ये उबल जाता है। बस थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और फिर उबाल लेते हैं। इसको ढक लेते हैं और 3 से 4 मिनट में ये उबल जाएगा। ये देखिए उबल गया है। बस जब ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीस लेंगे। ये मैंने आधी कटोरी चावल भिगो दिया था रात भर, ये अच्छे से भीग गया है और ये चावल अच्छे से टूटने भी लगा है। इसको जार में डालकर पीस लेंगे। इसमें 3 मैंने मिर्च डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए पीस गया है। बस एक बोल में हम निकाल लेंगे इसे और इसी जार में हम, बथुआ ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा, हल्का सा ही है, गर्म है, इसको हम पीस लेंगे। और इसी में जो पानी है इसको भी डालकर हम पीस लेंगे। ये देखिए पीस गया है, बस बारीक पीस गया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। ये बहुत हेल्दी हमारा टेस्टी नाश्ता तैयार हो रहा है। ये देखिए अच्छे से मिलाने के बाद इसी में हम बेसन को डालेंगे। 2 चम्मच अभी डाल दिया है और फिर देखेंगे, अगर ज़रूरत होगा तो फिर से हम डालेंगे। ये देखिए ये पतला लग रहा है, इसी में हम 1 चम्मच और डाल देंगे तो अच्छे से ये ठीक हो जाएगा। देखिए अच्छे से ये मिल गया है। अब इसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी दही, बस 2 से 3 चम्मच सी दही है, और 1/2 चम्मच जीरा और नमक स्वाद अनुसार, और अच्छे से मिला लेंगे। और इसी में मैंने गाजर को ग्रेट किया था उसको डाल देंगे और बारीक कटा हुआ प्याज, इसे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अच्छे से मिला लेंगे और इसी में 1/2 चम्मच हम बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसको हम 2-3 मिनट इसी तरह चला लेंगे एक ही डायरेक्शन में। अब मैंने इडली मेकर लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। घी लगाइए चाहे तेल लगाइए और इसी में हम इस तरह से डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि अभी फूल जाएंगे। इस तरह थोड़ा सा हमको खाली रखना है, पानी उबलने लगा है। बस इसी में हम इसको पका लेंगे। 10 मिनट इसको ढककर पका लेते हैं। 10 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं इस तरह से नाइफ़ के हेल्प से। हम देख लेते हैं, ये देखिए पक गया है। ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हम निकालेंगे। ठंडा हो गया है, किनारे के रहे हम इस तरह से नाइफ़ से कर देंगे ताकि ये अच्छे से निकल जाए। ये देखिए चम्मच से बहुत अच्छे से निकल जाता है, इसलिए चम्मच से ही आप निकालिएगा। ये देखिए अच्छे से ये निकल गया है। इसी तरह हम सारे निकाल लेते हैं। देखिए कितना हेल्दी हमारा इडली तैयार हो रहा है। आप कोई भी सॉस के साथ खा सकती हैं, चाहे नारियल की चटनी के साथ खाइए, चाहे धनिया टमाटर के साथ खाइए, सब के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए सारे बन गए हैं। ये देखिए पूरा मैंने बना लिया है। ये देखिए देखते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट हमारा इडली तैयार हुआ है। अब इसको तड़का लगाएंगे। तेल गर्म हो गया, इसी में 1 चम्मच मैंने सरसों डाल दिया है और 1 ही चम्मच तिल है, ये सफ़ेद तिल है, और कड़ी पत्ता है। उसको बस 2 मिनट इसी तरह तलने के बाद फिर हम इडलियों को डालेंगे। ये देखिए इसमें तिल मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में तिल हमारे शरीर में गर्मी पहुंचाता है। अगर आप गर्मी में बना रही हैं तो थोड़ा कम ही तिल डालिएगा। ये देखिए हो गया है, बस इसको हम फटाफट से निकाल लेंगे। ये देखिए इतना बढ़िया हमारा इडली तैयार हुआ है ना, कितना मज़ेदार हमारी इडली। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।